अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम नौरीन अंसारी और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारे सामने है मज़मून तारीख़ी इमारत। ठीक है, तो हमें कोई सी भी तारीख़ी इमारत पर मज़मून लिखना है, तो अगर आपसे तारीख़ी इमारत पूछा जाए तो आप ताजमहल पर ये से लिख सकते हो, और अगर आपसे ताजमहल पर ये से लिखने के लिए कहा जाए तो भी आप ये से लिख सकते हो। तो ये टॉपिक अगर कुछ भी हो इन दोनों में से आप ये ऐसे लिख सकते हो, और स्पेशली ये पॉइंट्स में किया गया है, छोटा बहुत इसको शॉर्ट करके लिखा गया है ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली से अपने 10 में से 10 मार्क्स ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आगरा में दरियाए जमुना के किनारे एक बड़े मैदान में ताजमहल की इमारत बनी है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। 22,000 कारीगरों ने 22 साल तक काम करके ताजमहल मुकम्मल किया, मुकम्मल मतलब कंप्लीट किया। ताजमहल का शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है। ताजमहल का दूसरी किसी इमारत से मुकाबला नहीं किया जा सकता, ये अपने फ़न की बेमिसाल इमारत है। इस मकबरे के चारों तरफ ये काफ़ है, इस मकबरे के चारों तरफ एक आलीशान चार दीवारी है। सदर दरवाजे बहुत शानदार है, इसके काले पत्थर पर आयत लिखी है। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत फव्वारे लगे हैं, हज़ारों सियाह इसको देखने आते हैं। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इजीली लर्न भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।